प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया रिएक्ट्स पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही जबरदस्त और एक लेटेस्ट वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार डॉक्टर कमर चीमा को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ साहब, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और वो अमेरिका में रहते हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे खास नजर रखते हैं और बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। सब आज मैं सुन रहा था कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा है कि जब उनकी थर्ड टर्म आएगी तो दुनिया में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। और कहा जा रहा है कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी 75% है एज ऑफ अगस्त 1। एक US बेस्ड एक मॉर्निंग कंसल्ट है, पता नहीं इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। और लेकिन जो जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं इकॉनमी की एक्सपेंशन के हवाले से या GDP ग्रोथ रेट के हवाले से या जो IMF कह रहा है कि जो इकॉनमी जो है वो ग्रो करेगी, आप कैसे देखते हैं? इधर पाकिस्तान का तो आपने देख लिया तमाशा, हुकूमत जा रही थी और वो जो साइफर था तारर साहब, देखे दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तानी सफीर ने अमेरिका से एक लेटर लिखा और वो लेटर आज अमेरिका की अखबारों में छप रहा है, जो कि कहा जाता है कि वो साइफर जो है वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो उसको डीकोड करना पड़ता है, उसको डिफरेंट तरीकों से पूरी पूरी टीमें बैठी होती हैं फॉरेन ऑफिस के अंदर और वो आज उधर छप गया है। और इधर वो कह रहे हैं कि मुझे तीसरी टर्म दें तो मैं आपको दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बना के दूंगा। और पाकिस्तान में ये भी नहीं पता तारर साहब इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। मैं चीमा साहब इसकी बात करना चाहूंगा, साइफर से शुरू करते हैं बात और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात भी करते हैं जो भारत में हुआ, और उसके बाद मोदी साहब ने जो वहां स्टेटमेंट दी है कि भारत तीसरे नंबर पर होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि साइफर जिस तरह आपने कहा कि इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, इसको इस तरह डीकोड करना, फिर इसको लोगों के हाथों में डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने पोलिटिकल जलसों में लहराना, इसके बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आज बल्कि अभी शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई, आज की अभी उनकी स्टेटमेंट है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस सख्त होंगे, होने चाहिए। लेकिन अब मैं जो उस साइफर की हकीकत बताना चाहता हूं जो यहां इंटरसेप्ट ने छापा है। इंटरसेप्ट ने छाप राइट, वो आर्टिकल लिखने वाले एक अमेरिकन है और एक पाकिस्तानी है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि वो पाकिस्तानी कौन है। वो पाकिस्तानी इसी रिलीजियस कल्ट का हिस्सा है, उसकी माजी की ट्वीट ने साबित किया है कि वो ही इज अ कमिटेड खान साहब सपोर्टर, एक तो ये बात सामने आ चुकी है। फिर उसने किस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान आर्मी पे अटैक किया, उसने पाकिस्तान, उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी पे अटैक नहीं किया, बल्कि अब बाजवा साहब और फैज अहमद साहब भी जा चुके हैं, उन्होंने कहा सर्विंग किसी फौजी ने हमें यह दिया। ये सीधा अटैक है इस वक्त आर्मी को बदनाम करना और कमजोर करना। अब ये इस वक्त डिपेंड करता है कि पाकिस्तान आर्मी इसको कितना सीरियस लेती, लेकिन सीरियस लेना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए कि दिस अ फाइट इज नॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा, दिस इज द जिहाद अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, दिस इज अ जिहाद अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी। और इस वक्त वाहिद इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान आर्मी है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है, वरना चार सूबे, चार पार्टियां, चार जागीरदार, चार लुटेरे, ये जो है इस तरह, ये सारा काम इस तरह नहीं चलता। ना इस्लामाबाद की कोई रेट ऑफ लॉ या गवर्नमेंट किसी दूसरे सूबे पर है, सिर्फ एक ही है, या दूसरा रेलवे है शायद आपकी फेडरेशन की अलामत, जो गाड़ियां आपकी चारों सूबों के अंदर फिर रही हैं, या आपकी करेंसी है जो एक चारों करेंसी चल रही, बल्कि ईरान में ईरानी करेंसी चल रही है आपकी बलूचिस्तान में, वहां तो वो भी मैं नई मिसाल दे सकता, लेकिन पाकिस्तान आर्मी आज भी यूनिफॉर्म अंडर वन कमांड और किसी मुसीबत में भी खड़े होती है तो पाकिस्तान आर्मी खड़ी होती है। एक तो ये सख्त ज्यादती हुई है ये साइफर का, जो जिस तरीके से वो एक जो लौंडा लपाड़ा जिसने हक अदा करने की कोशिश की है, अपनी कमिटमेंट की टूवर्ड्स द रिलीजियस जिहाद, उसने पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की है, एक तो मेरी ओपिनियन उसके बारे में ये है। दूसरा इसकी सिवेरिटी, इस जिहाद की सिवेरिटी, आप ये देखें कि ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड के अंदर एम्बेसी के ऊपर झंडा उन्होंने लगा दिया अपना, एक जेरी तौर पर मरीज आदमी ने अपना पासपोर्ट जला दिया, फाड़ा है उसने और उसको इंतहा देखें कि इस ये बीमारी कितना, ये जादू कितना सर चढ़ के बोल रहा है, ये काला जादू है।
बकरों का जादू। तो इसको मेरे ख्याल में इसके बारे में कोई अब गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए पीछे, इसको इसकी जब जब तक इसको आखिरी अंजाम तक ना पहुंचाया जाए मेरा ख्याल है तब तक ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी और सालबियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अब दूसरी मैं बात ये करना चाहूंगा, चिमा साहब आपने कहा है भारत के बारे में, भारत का एक तो वहां पे आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, देखते हैं कि यहाँ पे भारत में तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, एक तो आज तक वहां पे कभी कामयाब नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तो कीमत अभी तक हर पाकिस्तानी अदा कर रहा है। पाकिस्तान में भी एक्सरसाइज हुई थी, अब देखें इंडिया में कितने कितनी स्टेटें जलाई जाती हैं, लेकिन उस सारी प्रोसीडिंग को देखकर मुझे आज रोना आया। 2 घंटे मोदी साहब बोले, 2.25 घंटे बाद उसके बाद वो चलेंगे, कांग्रेस वाला बंदा ये बोला है अपना, गांधी साहब भी बोले, कल 2 घंटे की स्पीच जो है अमित शाह ने दी है, सिर्फ वो इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी को सुनना चाहते थे कि व्हाट इज देयर स्टैंड ऑन मणिपुर। मणिपुर के ऊपर मोदी साहब ने खुल के बोले नहीं, दिस वाज द सोल ऑब्जेक्टिव, वो सुनना चाहते थे कि ये क्या कहते हैं, वेयर वी आर हेडिंग। उन्होंने बड़ी, मैंने मोदी साहब की सारी 2.25 घंटे की स्पीच सुनी उसमें, और उसी में उन्होंने जब बात की कि इंडियन इकॉनमी, अब मैं बल्कि खासकर मैंने एक प्रिंसटन के इंडियन प्रोफेसर हैं जिन्होंने एक बड़ा अच्छा ऐसे लिखा है भारत की इकॉनमी के बारे में, मैं वो भी आपके गोश गुजारना चाहूंगा कि मोदी साहब ने जब यहाँ कांग्रेस में आके स्पीच दी थी अमेरिका में, तो उन्होंने कहा था पिछली दफा जब मैं यहाँ आया था अमेरिका की हाउस के अंदर स्पीच दी थी तो इंडियन इकॉनमी वॉज एट नंबर 10। अब मैं दूसरी टर्म में आ रहा हूं यहाँ पे अपने, एंड इंडियन इकॉनमी इज नंबर 5। तो ये रियलिटी है, ये हकीकत है। अब वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मेरी खुद, क्योंकि आपको पता है मैं उस रीजन पे, मेरा इंटरेस्ट है पाकिस्तान की वजह से, मेरी फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स इंडिया एज वेल, ये मैं पाकिस्तान के नेबर हैं, मैं उनको भी अपना बहन भाई समझता हूँ, वी आर जेनेटिकली वी आर सेम पीपल, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं। ये अलग बात है कि आजकल उसमें चीजें, बल्कि मैं यहाँ चीमा साहब एक छोटी सी बात, ये कंपैरिजन मैं पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा, अपने सुनने वालों को कहना चाहूंगा ये। और दूसरी ये बात है कि मैं जब भी भारत जाता हूँ, मैं फिर दोबारा जाने वाला हूँ अभी 2 महीने तक, मैं जाता हूँ, मैं आई डोंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एन अमेरिकन, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज ए पाकिस्तानी। और आप सोच नहीं सकते कि पीपल टू पीपल क्या प्यार है एक दूसरे का, मुंबई से लेकर अमृतसर तक, मैं जहां जाता हूँ जिस एयरपोर्ट पर जाता हूँ आई आर प्राउडली से हम पाकिस्तानी, दुनिया मुझे आंखों पे उठा लेती, तलियों पे उठा लेती, लोगों का इतना प्यार है। ये सिर्फ एक चंद लोग हैं, वो हर सोसाइटी में होते हैं, वो कहते हैं they're full of negativity, वरना मेरे ख्याल में जो मेरे सारी जिंदगी का तजर्बा, जो मेरा तजर्बा है, if a human cannot love each other then the rest of everything is zero, regardless how many PhDs you have, regardless how religious you are, you have to love each other regardless of your faith and religion and origin. So that, लेकिन अब मैं इंडिया की इकॉनमी के बारे में बोलना चाहूंगा, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आज हाउ द इंडिया इज राइजिंग, किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी यंग पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन है और वो तालीम में आगे जा रहे हैं, ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट, और ह्यूमन कैपिटल इज वन नंबर वन रीजन, और GDP के पीछे भी इसी चीज का हाथ है। दूसरा पॉइंट है मेरा कि कोविड के वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी स्लगश हुई है और उसका फायदा भारत ने उठाया। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि चाइना और अमेरिका जब आपस में ट्रेड वार में जा रहे हैं उसका फायदा भी भारत उठा रहा है। उसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है मेरा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर सोशलिज्म है, अमेरिका सुस्ती का शिकार है, अमेरिकन इस वक्त अमेरिका के जितनी आप बड़ी इंस्टीट्यूशंस में जाके देखते हैं तो वहां पर सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं, अमेरिकन सो रहे हैं इस वक्त, वो सिर्फ नशों में जा रहे हैं। सो अमेरिका के अंदर जब जो सोशलिज्म बढ़ता जाएगा यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा उतना स्ट्रांग होता जाएगा, और जब इंडियन डायस्पोरा स्ट्रांग होता है तो इंडिया स्ट्रांग होता है उसकी वजह, उसमें बल्कि एक और चीज उसमें मेरा 5वां पॉइंट ये है कि जो नेशनलिज्म, जो मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को, उसका असर इंडियन डायस्पोरा पर भी है और वो इसका भरपूर मुजाहरा भी कर रहे हैं। 5वीं सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और जिस तरीके से वो खोलते जा रहे हैं, अब उन्होंने दुबई में ब्रांच खोल दी है, दिस इज अनदर स्ट्रेंथ। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरी चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह साजिद तारस आपके जो एनालिसिस हैं
वो पूरे फैक्ट्स बेस्ड होते हैं और जो भी उनके थॉट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। और दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का फैसला किया है और वादा किया है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।